नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूक चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं शामली की थाना भवन नगर पंचायत में, जहां पर प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है और सभी प्रत्याशी अपने वोटर को खंगालने में जुटे हुए हैं, जहां पर वो लोग अपने प्रत्याशी सभी लोग जाकर वोटर को अपने ओर खींचने के लिए कन्वेंस कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आसिफा, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उनके प्रतिनिधि के रूप में शमशाद अहमद, ये पहले से समाजसेवी के रूप में क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर पहले से ही चुनावी रणनीति बना चुके थे, जो अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने ताल ठोक चुके हैं। शमशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से आप अब चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या जनता का रुझान है और क्या आपने सोचा था कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों आपने नामांकन किया था? इंशाल्लाह अभी कस्मे में जगह जगह पर जा रहे हैं, बहुत सम्मान मिल रहा है, जनता बहुत खुश है। निर्दलीय लड़ाने के लिए जोश और आवाज के साथ जनता कह रही है इंशाल्लाह जीत होगी। 4 तारीख को वोट डालने जाएंगे, इंशाल्लाह जहाज के निशान पर ही मोहर लगाएंगे। जनता क्या चाहती है, मेन समस्या क्या है? थाना भवन नगर पंचायत पिछले काफ़ी समय से नगर पंचायत में आया था, उसके बाद क्या समस्या मेन थी जो अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है? जनता जो पिछले कैंडिडेट आए हैं गए हैं उनसे सब थक चुकी है, वो सब समझ चुकी है कौन क्या है, कितना कोई बोलने वाला ये झूठ बोलने वाला सब समझ चुकी है। इंशाल्लाह जनता सही का साथ देगी और सही समय पर वोट करेगी और सही को चुनेगी इंशाल्लाह। मुकाबला किससे मांगते हैं आप अपना? मुकाबला देखो, सभी कैंडिडेट अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, ये वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। इंशाल्लाह जनता इसका फैसला करेगी, सही का फैसला करेगी, जनता किसको कितना सपोर्ट करना चाह रही है सही का साथ देगी। कितना प्रतिशत वोटिंग इस वक्त है और कितना आप जानते हैं कि आपके पक्ष में होने वाला है? देखिए जनता जो है अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़ है क्या करना चाहेगी। अभी 1-2 दिन में इलेक्शन खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, 2 दिन में 4 दिन में खुल के सामने आ जाएगा इलेक्शन और जनता सही का साथ देगी। एक और बहुजन समाज पार्टी, एक और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी और आसपा का गठबंधन और बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, इसमें किस तरह फाइट करेंगे आप? देखिए जनता, ये लोकल चुनाव है, इसमें सिंबल कोई ये पार्टी कोई इतना मान्यता नहीं रखती, पब्लिक ये जान चुकी है कि लोकल चुनाव है, इसमें सही जो आदमी है उसका वोट करेगी और इंशाल्लाह सम्मान के साथ सही का साथ देगी। समस्या जो सबसे बड़ी थी अब तक थाना भवन में कौन सी है, जो इस समस्या का निदान आप चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए मैं वार्ड 3 से सभासद रहा हूँ, अपनी जनता के साथ 5 के 5 साल खड़ा रहा हूँ, मैंने जो जो वादे किए थे मैंने वे सारे वादे पूरे किए हैं। एक जोहड़ का मामला था, एक बोरिंग का मामला था, सड़कों का मामला था, लाइट का मामला था, जो भी मैंने वादे किए थे इंशाल्लाह सारे पूरे किए हैं और अगर जनता ने मुझे चुना इंशाल्लाह जो वादे करूंगा उसे पूरे करूंगा, चाहे वो सड़कों का हो, बिजली बिल का हो, या फिर हाउस टैक्स का हो, पानी बिल हो, या राशन कार्ड का हो, जो भी होगा इंशाल्लाह उसे पूरा करूंगा। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता से आप? जनता से तो यही कहना है, आप 20-25 साल से वोट करते आ रहे हैं, आप गलत और सही को चुनें, आप देख के और समझ के वोट करें, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की भी, और हमें जो वोट देगा हमारे विकास का काम देख के वार्ड 3 में जो मैंने काम किया है वो उस पर वोट करेगा। ये थे हमारे साथ शमशाद अहमद, आसिफा निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे से बात की, हमने जाना इनसे कि क्या इस वक्त माहौल है, क्या नगर पंचायत थाना भवन की जनता चाहती है। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।